फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम आपको गांव में पढ़ लगाने का कोशिश करेंगे कि गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अपने कोचिंग में किस तरह से पढ़ते हैं, उसमें कितना टैलेंट छुपा हुआ है, ये सारी चीज़ को दिखाने का ब्लॉग में। ये सारी चीज़ देखने के लिए आप बने रहिएगा उस वीडियो में, आगे तक बने रहिएगा। आपको गाँव में रहने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि गाँव के बच्चे कितना टैलेंट छुपा हुआ है, गांव के बच्चे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनका पढ़ने लिखने का क्या व्यवस्था है। इस सारी जानकारी को आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो में आगे तक आप बने रहें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी। जैसा देख रहे हैं कि अब हम कोचिंग में पहुंचने ही वाले हैं। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे किस तरह से कोचिंग में पढ़ते हैं। देखिए, आप पहुंच गए हैं कोचिंग में, आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, गांव के कोचिंग में आज हम यह जानने के लिए आए हैं कि गांव के बच्चे गांव में रह कर के भी कितना टैलेंटेड होते हैं, ये जानने का प्रयास आज हम करेंगे। तो आज हम एक बच्चे को इस कोचिंग से खड़ा करा करके कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। खड़ा बाबू, क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ता है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये दोनों क्या फुसफुसा रहा है जी? सर जी, इसको पेट न जाने आता है। अरे सही में तुमको पेट न जाने आता है, देखा तो कैसे न जाता है। ये बच्चा किस तरह से अपना पेट को घुमा रहा है, देखिए। बाबा रामदेव को भी खेल करने वाला है, अद्भुत अद्भुत तरीका। देखिए, प्रकार के वीडियो और इसी प्रकार के टैलेंटेड बच्चों को और इसी प्रकार के अन्य जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।